हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुधा रानी। आप देख रहे हैं जस्ट भारत। 6 जनवरी 2021। कोई कभी सोचा ही नहीं क्या ही यूएस में उनका पार्लियामेंट बोले तो कैपिटल बिल्डिंग, हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, उन लोगों का कैपिटल बिल्डिंग बोलते हैं, उसको ट्रंप के सपोर्टर्स और पुलिस के बीच जबरदस्त क्लैश हुआ। तो इसका रीज़न क्या है, क्या है कैपिटल बिल्डिंग और क्यों कल ट्रंप के सपोर्टर्स और पुलिस के बीच वो वहाँ पे हाथापाई और वहाँ पे राइट्स हुआ, क्यों वहाँ पे उद्वेग बढ़ गया, क्यों प्रोटेस्टर्स ने कैपिटल बिल्डिंग को कैप्चर किया, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। वेलकम टू जस्ट भारत। वेलकम बैक। 6 जनवरी 2021 आफ्टरनून टाइम पे जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सेनेट दोनों मिलकर जो बाइडेन विक्टरी और कैमला हैरिस विक्टरी को एक जॉइंट सेशन में कैपिटल बिल्डिंग, उनका पार्लियामेंट का नाम है कैपिटल बिल्डिंग, उसमें जब सर्टिफिकेशन देने वाले थे तब अचानक प्रोटेस्टर्स, ट्रंप के प्रोटेस्टर्स उस कैपिटल बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया। इतना तक हो गया कि वो लोग अंदर भी वो बैरिकेड्स को, वो स्टील बैरिकेड पुलिस को भी धकेलते हुए अंदर घुस गए। एक कैपिटल बिल्डिंग है क्या? कैपिटल बिल्डिंग बोले तो जैसे हमारे पार्लियामेंट लोअर हाउस अपर हाउस रहती है, वैसे ही यूएस भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसको भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट होती है। सेनेट को अपर हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को लोअर हाउस की तरह हम देख सकते हैं। तो ये दोनों जहाँ पे मीट होते हैं उसे यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस बोलते हैं। उसका बिल्डिंग है कैपिटल बिल्डिंग। ये कैपिटल बिल्डिंग इसके नाम इसीलिए आया क्योंकि वो वाशिंगटन डीसी का कैपिटल हिल में ये पूरा बिल्डिंग रहती है, इसीलिए इसको कैपिटल बिल्डिंग करते हैं। उन यूएस का पार्लियामेंट कैपिटल बिल्डिंग में रहती है। तो कल 6 जनवरी 2021 में आफ्टरनून जब जॉइंट सेशन हो रहा है, तो जब लॉ मेकर्स उस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सेनेट में हैं, जो लोग जो बाइडेन और हिलरी कमला हैरिस का विक्टरी को, उनका जीत पर जीत को सर्टिफिकेट देने वाले थे, तभी अचानक ट्रंप अपनी रैली निकालना, उसमें वी विल नेवर गिव अप बोल के एक इमोशनल स्पीच देना, इससे ट्रंप के सपोर्टर्स भड़क जाना और ये सब लोग मिलकर कैपिटल बिल्डिंग को पास चले जाके वहाँ पे प्रोटेस्ट करना, और इतना तक कि वहाँ पे सब बैरिकेड्स को तोड़ फोड़ करके वो अंदर घुस जाना, उनका डोर्स, वो सब पेपर्स सब बर्बाद कर देना, ये सब सोचने वाले कि ये सब कल 6 जनवरी को हुआ। ये तब हुआ जब सेम टाइम पर जनवरी 3 इराक ने अपने आर्मी कमांडर सुलेमानी का मर जाने का 1 साल हो रहा था, तो तब लोग एक सीक्रेट वीडियो मैसेज कल चारे तरफ यूएस में चक्कर मारे कि वो लोग सेम कैपिटल बिल्डिंग को जैसे ट्विन टावर्स को स्मैश किया वैसे स्मैश करने वाले हैं, ऐसा न्यूज़ आने से वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी। मगर इतना वो लोग 6 जनवरी को इसलिए चुना क्योंकि उन लोगों को मालूम था कि यहाँ पे जॉइंट सेशन होने वाली है कैपिटल बिल्डिंग में, तो ये एक सीक्रेट वीडियो मैसेज पे हलचल होना, और उसी टाइम पे वो कहाँ गई वो तो पता नहीं, उसी टेंशन के दौर में ट्रंप का ये रैली में वी विल नेवर गिव अप, ये इलेक्शंस को हम मानते नहीं, ये इनका जीतना हम मानते नहीं, ऐसा बोलना, इससे ट्रंप के सपोर्टर्स भड़क जाना, कैपिटल बिल्डिंग को चारों तरफ से लोग अपने तरीके से अंदर घुस जाना, ये सब एक ही टाइम पे कल 6 जनवरी बहुत टेंशन वाली डे था यूएस में। ये ऐसा क्यों हो रहा है,
क्यों इलेक्शंस में, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में इलेक्शंस पर बार बार ऐसा सवाल क्यों उठते हैं? एक पार्टी जब जीतती है तो दूसरी पार्टी क्यों नहीं मानती? ये अब सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में सोचने वाली की बात है। इलेक्शन प्रोसेस कितना ट्रांसपेरेंस हो तो उतना ही पीसफुल कंट्री होगी, नहीं तो ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि यूएस तो कितना पुराना सो डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे ऐसा होना यही पहली बार है। तो इस बीचों बीच जब ये प्रोटेस्ट हुआ तो पुलिस ने एक फायरिंग की, वाटर मास, वाटर कैनन्स, टीयर गैस सब ये यूज़ किया। और ये यूज़ करते वक्त अंदर हाउस में उनका लॉ मेकर्स थे जो उनको एक तरफ प्रोटेक्ट करना और दूसरी तरफ इन लोगों को अंदर नहीं आने देना। ये ऐसा प्रोटेस्टर, ट्रंप प्रोटेस्टर्स की फेवर प्रोटेस्टर्स की पुलिस के बीच कल बहुत सारे लड़ाई हुई। तो इसमें वो लोग सक्सेसफुली अंदर गए और तोड़फोड़ भी कर दी है। इस बीचों बीच एक महिला मर गई और चार या पांच को इंजोर हुआ और 50 तो से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया। मगर वहाँ के जो बाइडेन के सपोर्टर्स डेमोक्रेटिक्स वो लोग कर रहे कि पुलिस तो इतना इजी ले लिया इस प्रोटेस्ट को। जब जॉर्ज फ्लॉयड मर गया तो ये ब्लैक और वाइट के बीच का लड़ाई, जब ब्लैक लाइफ मैटर्स बोल के एक प्रोटेस्ट निकाला, 3 मंथ्स तक ये प्रोटेस्ट चली। इसके बाद में इलेक्शंस हुआ तो ट्रंप का ये बयान कि ये इलेक्शंस सजाव से नहीं हुआ, हमको इस पर यकीन नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, यूएस सुप्रीम कोर्ट भी गया इस इलेक्शन प्रोसेस को स्टॉप करने, मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस ने भी इस ट्रंप को नकार देना, उनका डाउट्स वैसे ही रह जाना, ये सब के कारण से। और जब कल वो ट्रंप उद्वेग भर होके वी विल नेवर गिव अप ऐसा स्टेटमेंट्स देने से वो लोग बढ़ गए। मगर एक सवाल तो अभी यही रह गई कि इलेक्शंस प्रोसेस में ऐसा होने से ही ऐसा दो पार्टियों के बीच में जो जो जीता वो ईवीएम, जैसे इंडिया में जो जीता वो ईवीएम को मानता है, जो नहीं जीता वो ईवीएम की वजह से हार गया, ऐसी सिचुएशन अब यूएस में देखने के मिला। जब ट्रंप ये जीत को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनका इलेक्ट्रोल वोट्स में, बैलेट वोट्स में जब ज़्यादा फर्क, इनका तो कांस्टेंट इनको कुछ वोट्स नहीं आया, मगर लैक ऑफ वोट्स जो बाइडेन को जाना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क की तरह भी है। उस पर कोई किसी ने प्रूफ नहीं दिखाया। ये जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी ही ये जॉर्ज फ्लॉयड का मर जाने पर वाइट और ब्लैक, वाइट पीपल का एट्रोसिटीज़ बढ़ गया है यूएस में बोल के वो लोग प्रोटेस्ट निकालना, वो 3 मंथ्स से ज़्यादा फिलाडेल्फिया, वाशिंगटन वो लोग भी ऐसे प्रोटेस्टर्स व्हाइट हाउस को आग पे, व्हाइट हाउस के सामने करना करे, तो उसके बाद ये इलेक्शंस होना और इलेक्शंस में ट्रंप हार जाने की वजह से ये इलेक्शन प्रोसेस ठीक नहीं हुआ बोल के ट्रंप का एक डाउट है। मगर सुप्रीम कोर्ट भी उसको नकार दिया क्योंकि उनके पास प्रूफ नहीं है। मगर हम लोग एक बार इलेक्शन प्रोसेस को देखेंगे तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ये ज़्यादातर हो रहा है कि जो जीता है वो इलेक्शन ठीक सारे हुआ बोल के वो स्टेटमेंट देना, जो हार गया है वो इलेक्शन प्रोसेस ठीक नहीं हुआ बोल के बोलना। ये सबसे हमको एक सीख देती है कि ये January 6, 2021 एक हमको यूएस जैसे बड़े दे डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसे प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट बिल्डिंग को घेराव करना, इसे हमको एक सीख देती है कि हम भी इलेक्शंस ट्रांसपेरेंसी से करना चाहिए। नहीं तो ऐसे प्रोटेस्टर्स जो हार गए वो लोग बिल्डिंग कैप्चर करना, जो नहीं हारे वो लोग सपोर्ट करना, ये सब हमको आगे फ्यूचर में भी देखने की ज़रूरत पड़ रही है। तो हम फ्यूचर जनरेशन को एक पीसफुल कंट्री नहीं, एक
डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं, एक जो भी भड़क जाने प्रोटेस्टर्स की कंट्री, डेमोक्रेटिक राइट्स के बीच में ये प्रोटेस्टर्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो हमको इलेक्ट्रॉनिक ये इलेक्ट्रोल ये इलेक्शंस को हम जब देखेंगे तो ये ऐसा जिस भी इलेक्शंस में हमने कभी कुछ प्रोटेस्ट देखे है तो वो एंटी इनकम्बेंसी की तरह हो जाती है। तो उन जो जीतने वाले होते हैं भी ये प्रोटेस्ट की वजह से हार जाते हैं। ऐसा ही हुआ ट्रंप के साथ, जॉर्ज फ्लॉयड को एक चेन स्नैचर्स को एक क्रिमिनल को पुलिस की क्लैश में मर जाना टू रेसेस के बीच, दो जातियों के बीच का विवाद खड़ा करके सोशल मीडिया को इतना ज़्यादा तरह यूज़ करके वो लोग 3 महीने प्रोटेस्ट कंटिन्यू करा। ऑफकोर्स मर जाना कुछ अच्छी बात नहीं है, मगर इसको रंग देना, जैसे कम्युनल रंग देना, इसका सब की वजह से ट्रंप को एंटी इनकम्बेंसी बढ़ जाने की पूरी मौका मिली है। यही डेमोक्रेटिक्स अब कह रहे हैं कि पुलिस ने जब कैपिटल बिल्डिंग को ट्रंप के प्रोटेस्टर्स ने आग पे दिया तो उन लोगों ने कुछ फायरिंग एयरिंग कुछ नहीं किया, सेफ हैंड से केयर की तरह उन लोगों को प्रोटेक्शन दिया, पुलिस ने अच्छा काम नहीं किया बोल के एलिगेशंस डाल रहे हैं। जब यही पुलिस ट्रंप की बातों में आकर जॉर्ज फ्लॉयड के मर जाने के वजह से जो कम्युनल राइट्स वहाँ पे जो दो जातियों के वाइट और ब्लैक्स के बीच में जाति का रेस को बढ़ा के वो लोग यूएस के प्रेसिडेंट्स के जो भी स्टैचूस है उन सबको सबको गिरा देना, उसको मार देना, वो सब करने से वजह से पुलिस जब उन पर हाथापाई 3 महीने तक वो लोग जब ये प्रोटेस्ट करने लगे सोशल मीडिया में, तब यही सोशल मीडिया जो आज ट्रंप की ट्विटर अकाउंट फेसबुक अकाउंट को प्रोटेस्ट की वजह से जो भड़काने की बात बोल रहे हैं, इसके वजह से कहीं दंगे ना हो जाए इसकी वजह से उन लोगों को ट्रंप का ट्विटर अकाउंट फेसबुक अकाउंट क्लोज कर देने वाले यही ट्विटर और फेसबुक जॉर्ज फ्लॉयड के समय 3 महीने तक सारे सोशल मीडिया में ब्लैक लाइव्स मैटर्स बोल के प्रोटेस्ट होना एक तरफ का नाइंसाफ़ी मुझे दिख रही है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी जिसको हम उनका रिप्रेजेंटेटिव मानती है उनका अकाउंट्स को हाईफाई करना, उनका फॉलोअर्स को बढ़ाना, उनका ट्वीट्स को ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे रखना, उनका अकाउंट्स को ब्लॉक नहीं करना, ये सब करती है। जब ट्रंप जब प्रेसिडेंट पोस्ट में है तभी ये ट्विटर और फेसबुक अकाउंट्स ने बिफोर इलेक्शंस ने उनका ट्विटर अकाउंट 2 बार अब थर्ड टाइम उनका अकाउंट्स ब्लॉक करना, ये सब एक तरफ की डेमोक्रेसी दिख रही है। ये लोग एक तरफ की लिबरलिज्म दिखा रहे हैं। जॉर्ज फ्लॉयड का मर जाने पर सोशल मीडिया में इतना भड़का, जैसे अरब रेवोल्यूशन हुआ, जैस्मिन रेवोल्यूशन हुआ, तब जैसे सोशल मीडिया को यूज़ किया, ऐसा यूज़ किया तो एंटी इनकम्बेंसी ट्रंप के लिए बढ़ गई। इसीलिए वो उन्होंने ये इलेक्शंस को मानने के लिए इनकार कर रहे हैं। मगर जब ये होने के बाद आज तक नरेंद्र मोदी जी ने भी एक ट्वीट किया कि अब ट्रंप को अपना रिजाइन करके जो बाइडेन को एक्सेप्ट करना है कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बोल के एक्सेप्ट करने के लिए, पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर करने के लिए उन्होंने भी अपना ट्वीट में बनाया, क्योंकि हर एक मान रहे कि एक ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी इन यूएस बोल के मान रहे। इवन जॉर्ज बुश जो रिपब्लिक का कैंडिडेट था, कभी प्रेसिडेंट फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, वो भी ट्रंप को गलत साबित कर रहे हैं। मगर जब तक इलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी तब तक ऐसा विवाद चलते रहेंगे। हम भी ये जब कल ये दंगे हो रहे थे वहाँ पे पेपर स्प्रे
कैनन्स गन शॉट्स ये सब हुआ, मगर ऐसी ही हम लोगों को देखने को मिलता है इंडिया में। जब बाइफर्केशन ऑफ आंध्र प्रदेश करा तब भी लोकसभा में एक एमपी ने पेपर स्प्रे यूज़ कर दिया, तब मीरा कुमार ने लोकसभा बिल्डिंग को क्लोज करके ये बिल पास करना, ये तो नाइंसाफी हो रहा है। तब ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी भी ऐसा हीच कह रहे, मगर हमको सोचने वाली की एक बात है, जब ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को, एक क्रिमिनल कैंडिडेट्स को अपने पार्टी में सीट देकर लोगों से ज़बरदस्त वोट दिला रहे हैं और उनको ये पार्लियामेंट में अपने सीट्स में पार्लियामेंट में एक पोजीशन दे रहे हैं, उनको लॉ मेकर्स बना रहे हैं, तब ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी कोई नहीं कहते हैं। मगर जब लोग कुछ प्रोटेस्ट करे तो ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी बोल के ईजीली बोलते हैं। तो ये अब पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिसाइड करना है कि उनका लॉ मेकर्स कैसा होना चाहिए। उनका लॉ मेकर्स जब तक क्लीन और क्रिमिनल माइंडेड नहीं होंगे तब तक ऐसे दंगे, ये ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी कंटिन्यू होंगे, ये इलेक्शंस में ईवीएम को मानने वाले ईवीएम को नहीं मानने वाले, बैलेट वोट यूएस में बैलेट वोट मानने वाले बैलेट वोट नहीं मानने वाले ऐसा होते ही रहेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिसाइड करना है कि इलेक्शंस ट्रांसपेरेंसी से होना चाहिए। अब इस दंगे होने के बाद ट्रंप ने भी जो बाइडेन का विक्ट्री एक्सेप्ट हो कर दिया और उनके प्रोटेस्टर्स को पीसफुल रहने के लिए एडवाइस भी दी, मगर डेमोक्रेटिक्स जो बाइडेन का डेमोक्रेटिक्स तो इन पर 25th अमेंडमेंट ऑफ यूएस करने के लिए सोच रहे हैं। ये तभी होता है जब यूएस प्रेसिडेंट को रिप्लेस या रिमूव या उसका इम्पीचमेंट करने के टाइम पे यूज़ करने वाले लॉ को इम्पोज करने के लिए वो लोग फोर्स कर रहे हैं। इसे कहते हैं 25th अमेंडमेंट ऑफ यूएस। 25th अमेंडमेंट में अगर जो भी यूएस प्रेसिडेंट मर गया या कोई इम्पीच हो गया तो ऐसा वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनता है। जैसे हमारे देश में भी प्रेसिडेंट नहीं वेकेंट पोजीशन है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाता है, अगर वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट भी वेकेंट है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट बन जाते हैं। वैसे यूएस में भी अब इस जनवरी 20 तक ट्रंप का पीरियड का समाप्त हो जाते हैं, इससे बीचों बीच इस राइट्स की वजह से एक कैपिटल बिल्डिंग को कैप्चर करने के लिए उन्होंने भड़काया, ये दंगे को भड़काया, इसीलिए उन पर इम्पीचमेंट करने के लिए या रिमूवल ऑफ ऑफिस उन्हीं काल इलेक्ट्रोरल कॉलेज में इनको बोले तो वाइस प्रेसिडेंट और उनका लॉ मेकर्स अगर ट्रंप को निकाल देने के लिए वोट दिया तो इनको बिफोर ही रिजाइन बिफोर वो जाने से पहले ही इनको निकाल दे सकते हैं। अब आने वाले उनके यूएस का सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक कैपिटल बिल्डिंग का लॉ मेकर्स डिसाइड करेंगे कि ट्रंप का फ्यूचर क्या है, वो रेस्पेक्टफुली निकल जाएगा या उनको इम्पीच करके निकाल देंगे या वो ही रिजाइन करेंगे ये सब। मगर अब तक न्यूज़ जो है कि ट्रंप ने पीसफुल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पावर देने के लिए राज़ी हो गए, ये ऐसा न्यूज़ आ रहा है। और इस बीचों बीच जो भी प्रोटेस्टर्स जो अब भी उनके यूएस कैपिटल बिल्डिंग के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके हाथ में इंडियन फ्लैग भी देखने को मिला, ये एक जब इंडिया की तरफ से कुछ इंडिया की को बदनाम करने के लिए कुछ कॉन्स्पिरेसी यूएस में चल रही है। तो यूएस के इलेक्शंस में इंडियन फ्लैग का यूज़ करने का क्या मकसद है, ये अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आया, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। होप ये है कैपिटल बिल्डिंग का कैप्चर। होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो मिलने तक जय हिंद, जय भारत।